नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हम जेड से दर्शाते हैं। सबसे पहले भूमिका। पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं यानी कि शून्य, एक, दो, तीन। ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन। इन दोनों के समूह को कहते हैं हम पूर्णांक। पूर्णावलोकन। हमने पिछली कक्षा में पूर्णांकों के बारे में क्या क्या पढ़ा, आइए जरा उन पर नजर डालते हैं। पहले कुछ सवाल। माइनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। 56 माइनस 73 इज इक्वल टू माइनस 70। माइनस 79 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 124। बिल्कुल सही। अगर आपसे ये तीनों प्रश्न हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुए तो आइए जरा साथ में सीखते हैं। सबसे पहले सबसे आसान वाला प्रश्न। सबसे पहले हम इन दोनों अंकों में से किसी एक अंक को इस संख्या रेखा में दर्शाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया प्लस थ्री, हमने इसे रेखा संख्या पे दर्शाया। इसके बाद हमें दूसरे अंक की तरफ बढ़ना है और देखना है कि उसका चिन्ह क्या है। अगर उसका चिन्ह माइनस है तो हमें बढ़ना होगा बाईं तरफ, और अगर प्लस है तो हमें बढ़ना होगा दाईं तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कि अंक क्या है। अंक है चार, तो हमें बढ़ना है बाईं तरफ चार कदम। चलिए एक, दो, तीन, चार। उत्तर है माइनस वन। अब बड़े संख्याओं के लिए इसे किस तरीके से किया जाए। अगर हमें सबसे पहले दो अंक दिए होंगे और उनके सामने दो चिन्ह, हमें उन दो चिन्हों को देखना है कि वो कौन से हैं। अगर कुछ नहीं है यानी कि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। अगर दोनों चिन्ह सेम हो यानी कि दोनों चिन्ह एक जैसे हो, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों ही अंकों को जोड़ना है। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो दोनों ही अंकों को घटाना है, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस। उसके बाद बड़े वाले अंक का चिन्ह उत्तर पर आएगा, जैसे कि यहाँ पर हम एक प्रश्न देखते हैं 56 माइनस 73 इज इक्वल्स टू माइनस 70। सबसे पहले हम देखेंगे चिन्ह, यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है माइनस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, यानी कि हमें बड़े में से छोटे को घटा देना चाहिए। ये चीजें हमने बहुत पहले कक्षाओं में पढ़ रखा है। इसका उत्तर आएगा 17। अब इसके बाद देखना है कि इन दोनों अंकों में से बड़ा अंक कौन सा है, जो कि है 73। तो हम इसके सामने का चिन्ह जो कि है माइनस, वो उत्तर पर लगा देंगे, यानी कि हमारा उत्तर होगा माइनस 17। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों चिन्ह सेम है, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना है और उत्तर होगा 124। और उसके बाद जो भी बड़ा अंक होगा जो कि यहाँ पे है 79, उसके सामने का चिन्ह उस उत्तर के सामने लगा देना है। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने से हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। सोच में पड़ गए। अच्छा चलिए देखते हैं एक उदाहरण से। यहाँ पर है 27 जो कि है एक पूर्णांक, और यहाँ पे है 76 जो कि है एक पूर्णांक। इन दोनों को जोड़ने से आता है 103 जो कि फिर से है एक पूर्णांक। उसी तरीके से हम किसी भी दो पूर्णांकों को घटाएं जो कि है 42 माइनस 74। यह प्रश्न हम इस तरह का प्रश्न हमने पिछले बार भी किया है, एक बार इसका उत्तर निकाल के देखिए।
उत्तर आएगा -32, जो कि फिर से एक पूर्णांक है। उसी तरीके से हमारे पास दो और पूर्णांक है -81, -62, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है -143, जो कि फिर से एक पूर्णांक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ने से आएगा -7, जो कि है एक पूर्णांक। कर्म विनिमय गुण, दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। कैसे, जरा उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास 8 और 9। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो उत्तर आता है 17। अगर मैं 9 को पहले और 8 को बाद में लिख दूं तो भी उत्तर 17 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे है 23, 53। मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो उत्तर आएगा 76। अगर मैं इन दोनों को उल्टा करके जोड़ू, यानी कि 53 को आगे और 23 को पीछे, तो भी उत्तर 76 ही आएगा। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, A plus B is equals to B plus A। यहाँ पर अगर A 8 है तो B 9 है। उसी तरीके से 8 plus 9 यानी A plus B is equals to 9 plus 8 यानी B plus A। साहचर्य, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक उदाहरण ले रखा है -5, -3, -2। हम इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे। सबसे पहले इन तीन में से मैंने इन दो अंकों को पहले जोड़ा है, उत्तर है -5। अब इस उत्तर को मैं बचे हुए अंक यानी -5 से जोड़ती हूँ, उत्तर आता है -10। मैं इन तीनों अंकों में से कोई दो अंक चुनती हूँ। पहले मैंने चुना था -3, -2, अब मैं चुनती हूँ -5 और -3, उत्तर आता है -8। अब मैं इसे बचे वाले अंक यानी -2 से जोड़ती हूँ, उत्तर आएगा -10। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, A plus B plus C, यानी कि पहले A, B, C में से मैं कोई दो अंक चुनूं, B plus C, उन्हें जोड़कर फिर A से जोड़ूं, या फिर A, B, C में से A, B को पहले जोड़कर उसे C से जोड़ूं, तो उत्तर सेम रहता है। योज्य तत्समक, आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि किसी भी पूर्णांक को अगर मैं 0 से जोड़ूं तो पूर्णांक वही रहता है। यहाँ पर मैंने ले रखा है -8। अगर मैं उसे 0 से जोड़ू तो उत्तर आएगा -8। अगर मैं 0 को पहले लिखूं और -8 को बाद में लिखूं, तो हमने ये देख रखा है कि इससे उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है, तो यहाँ पर भी उत्तर रहेगा -8। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी पूर्णांक A को 0 से जोड़े तो उत्तर वही पूर्णांक होता है, या फिर 0 को किसी पूर्णांक A से जोड़े तो उत्तर फिर से वही पूर्णांक होता है। पूर्णांकों के गुण, पूर्णांकों को गुणा करने से पहले उनके चिन्ह के गुणा देखते हैं। आइए, प्लस और प्लस को गुणा करने से हमें मिलता है प्लस, माइनस और माइनस को गुणा करने से हमें मिलता है प्लस, प्लस और माइनस को गुणा करने से मिलता है माइनस, माइनस और प्लस को गुणा करने से मिलता है माइनस। इसका अर्थ क्या है, अगर मैं दो प्लस वाले पूर्णांकों को गुणा करूंगी तो मुझे उत्तर में प्लस मिलेगा, माइनस वाले पूर्णांकों को करूंगी तो मुझे उत्तर में फिर से प्लस मिलेगा। अगर एक पूर्णांक के सामने प्लस और दूसरे के सामने माइनस हो तो मुझे उत्तर में माइनस वाले पूर्णांक मिलेंगे। आइए अब एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले रखा है -3 × 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि इनके सामने चिन्ह कौन से हैं। माइनस थ्री का चिन्ह बताइए, जी हाँ माइनस, और टू का चिन्ह, बिल्कुल सही, अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब यहाँ पर है प्लस। अब सबसे पहले हम इनके अंकों को गुणा करेंगे, यहाँ पर है 3, 2, इन दोनों को गुणा करने से कितना आता है 6। अब हम इनके चिन्हों को गुणा करते हैं, यहाँ पर चिन्ह है माइनस और प्लस, इनको गुणा करने से मिलेगा हमें माइनस।
यहाँ पर हमें उत्तर आया था 6 और हमें चिन्ह पता चला माइनस, यानी कि हमारा उत्तर होगा -6। क्या हुआ, आपका भी हाल इसी की तरह है? आइए चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण हमने यहाँ रखा है 3 और 4, इन दोनों के चिन्ह है प्लस और प्लस, दोनों को गुणा करने से आता है प्लस और दोनों के अंकों को गुणा करने से आता है 12। अब देखिए अगला प्रश्न, -8 9, तो अगर हम इन दोनों के चिन्हों को गुणा करें तो आता है माइनस और इन दोनों के अंकों को गुणा करें तो, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर दो चिन्ह है माइनस माइनस, अगर हम इन दोनों के चिन्हों को गुणा करें तो आएगा प्लस और इन दोनों के अंकों को गुणा करें तो आता है 48, यानी कि उत्तर हुआ +48। अब जैसे कि यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है -7, अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो पहले इनके चिन्हों को गुणा करने से आएगा माइनस और दोनों अंकों को गुणा करने पर आएगा -42। सारांश समरी। तो आज हमने देखा कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने से उत्तर एक पूर्णांक ही मिलता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उत्तर सेम रहता है। साथ ही हमने देखा कि किसी भी तीन पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम किन्हीं दो पूर्णांकों को पहले जोड़ उसे तीसरे पूर्णांक से जोड़ सकते हैं। अगर हम एक पूर्णांक को शून्य से जोड़े तो उत्तर वही पूर्णांक होता है। साथ ही गुणा करने के लिए हमें इन चार चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी दो पॉजिटिव चिन्ह वाले पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव वाले को गुणा करने से पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को गुणा करने से नेगेटिव आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को भी गुणा करने से नेगेटिव आता है। धन्यवाद।